अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद, और आज का खाना मैं बहुत बकरीद स्पेशल चलाया और आपके लिए जो है वो सारी रेसिपीज लेकर आए, मगर मुझे बहुत फरमाइशें आने लगी कि वल्लाह प्लीज आप जो है वो सब्जियां बनाएं, दालें बनाएं। हमने सिलसिला शुरू कर दिया, हम बना रहे हैं लहसुनी आलू पालक। और लहसुनी आलू पालक कैसे बनेगी उसके लिए तो आप चलेंगे मेरे साथ किचन में, मगर मुझसे वादा करते हुए जाएंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाए। चलिए जी, आ गए हैं किचन में, बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा आलू पालक लहसुनी। आलू पालक लहसुनी आपने बहुत बकरीद में गोश्त खाया और ये आयरन से भरपूर रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने आधी प्याली ऑयल में एक बड़ा साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है। पहले इसको अच्छा सा गोल्डन करेंगे और पालक का साग जिस टाइप का बनता है उस टाइप का बनाएंगे। पहले इन प्याज को गोल्डन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखें हल्की गुलाबी प्याज हो गई। यहाँ मैंने आधा किलो पालक के लिए 250 ग्राम आलू काट के रख लिए थे। यहाँ पे जाएगा 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के जीरा। जीरा बहुत बड़ी क्वांटिटी में जाएगा। इसकी हल्की सी फ्राइंग होगी और आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर देखें आलू ने अपना कलर चेंज किया, ट्रांसपेरेंट हो गए, क्योंकि पालक बहुत पानी छोड़ेगी तो इसलिए यहाँ आलुओं को नहीं गलाएंगे, हम शामिल कर देंगे। यहाँ पे एक बड़ी साइज का टमाटर चॉप करके रख लिया था। यहाँ पे सारे जाएंगे मसाले। मेरी रेसिपीज आपको बताएं बहुत इजी इजी होती है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के किसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि फिर वो मजीद पालक के साथ काला कर देता है पालक को। यहाँ पे 1 टीस्पून भर के कुटी लाल मिर्च और इसकी अगेन फ्राइंग। टमाटर भी कदरे नरम हो गए और ये सारी चीजें बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे 4-5 हरी मिर्चों को जूलियन कट काट लिया था, क्योंकि अगर स्पाइसी करना है तो बारीक चॉप कर लें। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं मोटे टुकड़े इसलिए रखता हूँ ताकि जो है निकालने के टाइम पे हम निकाल सकें। इसकी फ्राइंग हो गई, अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे अपनी पालक। पालक को बहुत बारीक काट के, बिल्कुल लच्छा नुमा काट के, और यहाँ पे मैंने रख लिया था। यहाँ पे इसको शामिल करेंगे, थोड़े से डंठल आपको नजर आ रहे होंगे जो सही खुशबू पालक की पहुंचाते हैं, वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिए। इसकी अब हम अच्छी से फ्राइंग करेंगे, साथ में हम शामिल करेंगे इसमें अब इस स्टेज पे, क्योंकि मैंने पहले रोका हुआ था, आपको बताया कि कुछ चीजें मैं रोक देता हूँ। यहाँ पे 1 टीस्पून भर के जाएगा धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं लूंगा गरम मसाला, क्योंकि आयरन वाली चीजों में गरम मसाला मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करता। ये 1/4 टीस्पून इसका गरम मसाला चला गया। नमक जो है हम अभी फिलहाल 1 टीस्पून डाल रहे हैं, आधा किलो पालक और 1 पाव आलू के लिए, क्योंकि पालक खुद बहुत नमकीन है। यहाँ पे हम इसको अब क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। अब हम इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि पालक का पानी, और आपको नजर आ रहा होगा जो मसाला भी मैंने भुनने में था वो भी निकल आया, और अब हम इसकी फ्राइंग इतनी करेंगे कि पालक बिल्कुल गायब हो जाए। मैं अगर होता तो इस स्टेज पे ही इसको बंद कर देता, क्योंकि पालक के न्यूट्रिएंट्स और पालक की जो भी फायदे हैं वो इस स्टेज पे हैं, मगर हमें चूंकि साग नुमा और लहसुनी पालक बनानी है, और हमारे यहाँ एक ट्रेंड भी है कि पालक को भून भून के उसका भुरता बना दिया जाता है। मैं इसकी भुनाई करता हूँ बिल्कुल साग नुमा। यहाँ देखें ऑयल बाहर आ गया, यानी कि मैंने पालक का पानी ड्राई किया। अच्छा, अब आलू का देख लें, अगर क्योंकि आलू हलक हर तरह के आते हैं, बाजू का जो है आलू आलू का सारा पानी ड्राई कर लिया, ऑयल बाहर आ गया। अगर ऑयल आलू नहीं गले हैं तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। मुझे लगता है आलू मेरे तकरीबन डन है, मैं थोड़ा सा ढक्कन लगाऊंगा 5 मिनट का और आलू डन हो जाएंगे। चलें 10 मिनट का दम लग गया, मैंने एक बार आलू चेक किए थे, थोड़ी सी कसर थी, मैंने बहुत अच्छे, क्योंकि आलू पालक के आलू बहुत गले हुए, और ये देखें नीचे चिपक रही है, आलू बेहतरीन हो गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं बेहतरीन मैशी आलू और बेहतरीन किस्म का आलू पालक तो तैयार हो गया, चूंकि लहसुनी जायका पहले 1 टेबल स्पून
लहसुन का पेस्ट डाला था और अब लहसुन का और लाल मिर्च का बघार इस पे आएगा तो कोई शानदार सी सब्जी तैयार हो जाएगी। इसको साइड पे करते हैं और बघार को तैयार कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक टेबल स्पून जितना देसी घी लिया था क्योंकि देसी साग का मजा और पालक की साग का मजा लेने के लिए लहसुनी जायका मजीद इसको बढ़ाने के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। साथ में हम इसमें शामिल करते हैं कुछ गोल लाल मिर्च ताकि खूबसूरती में इजाफा हो जाए। दो गोल लाल मिर्च भी इसमें आ गई और इसको अब अच्छा सा सुनहरा कलर करके पालक पे देंगे, ढक्कन को दम देंगे, ढक्कन लगा के दम देंगे ताकि लहसुनी जायका पूरी पालक हमारी जो आलू पालक है उसमें रजबस जाए। बेहतरीन सा हमारा आलू पालक भी तैयार हो जाएगा। सन कितने जबरदस्त हमने गोल्डन फ्राई किए। इसको अब हम अब शामिल कर देते हैं अपने आलू पालक पे और हमारा बघार जो है लहसुनी इसको मजीद लहसुनी आलू पालक बना देगा। इसको अब शामिल कर देते हैं बघार। चलिए आ गया हमारा, इतनी खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह, और इतना कोई बेहतरीन सालन बनाए बकरीद के बाद जो है जरूर बनाए, और आयरन से भरपूर डिश है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी से मिल जाए। आए इसे प्रेजेंट करते हैं।